जवाब तेरे जल में हजार, तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। सो सुष्मिता एंड ऐश्वर्या, आप दोनों का स्वागत है वेब दुनिया में। और सबसे पहले मैं बात करूंगी सुष्मिता से। तो वैसे आपका म्यूजिक में जितना योगदान है, आपका जितना इंटरेस्ट है म्यूजिक में, आपके इन्वॉल्वमेंट को लेकर लोग शायद इतना नहीं जानते जितना आपकी क्लियर स्किन को टीन एंड क्लियर के एड में उन्होंने देखा होगा। टीन एंड क्लियर के ब्रांड एम्बेसडर रही है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मैं पूना से रहने वाली हूँ। मैंने क्लीन एंड क्लियर जॉनसन एंड जॉनसन्स का एक ब्रांड है, फ्रेश फेस का किताब जीता है मैंने उनके लिए। मैंने 5 to 6 कमर्शियल एड्स किए हैं, आपने मुझे देखा होगा उसमें, फेयरनेस क्रीम के लिए किया है। एंड 2 साल तक मैं कॉन्ट्रैक्ट में थी उनके साथ और मैंने वो एंडोर्स किया है ब्रांड। और उसकी वजह से मुझे सिंगिंग के अलावा एक्टिंग में भी रिकग्निशन मिला है। बाहर जब लोग आपसे कहीं मिलते होंगे मुंबई में, तो आपको कई तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, तो उस पे आपको अभी तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या लगा? सबसे बेस्ट तो कॉम्प्लीमेंट ये था कि मैं फीमेल आयुष्मान खुराना हूँ। वो एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, सो इट्स अ वेरी ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। हम ऐश्वर्या से जानना चाहेंगे, ऐश्वर्या आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इसके अलावा आपकी और भी कई उपलब्धियाँ रही हैं जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, मैं 12 साल की थी, तब मैंने एक कॉम्पिटिशन हुआ था नेशनल लेवल का हंगामा चैनल के लिए, जहाँ पे अराउंड 1,40,000 किड्स में से आई वॉज चोजन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो हंगामा एक किड्स का चैनल आता था, तो उस पर क्या दिखाना चाहिए, उस चैनल पे क्या होना चाहिए और बच्चों को क्या चीज़ें पसंद है, उस सब के बारे में हम लोग डिसाइड करते थे। सो वन ऑफ द बोर्ड मेम्बर्स, बोर्ड डायरेक्टर्स वॉज मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आई गॉट दिस व्हेन आई वॉज, मैं 12 साल की थी तब मैंने ये, तो ये कुछ अलग है, मतलब दिस वॉज थोड़ा सा रिलेटेड टू एक्टिंग, जबकि मेरी रुचि हमेशा से ही म्यूजिक में रही है, बिकॉज मेरे पापा है 43 ईयर्स से वो म्यूजिक में है, तो टू कंटिन्यू ये लीगेसी। सो इस तरह की एक्टिविटीज में आप बचपन से ही पार्टिसिपेट करती आई हैं। अब जाकर पता चला है कि तनु वर्ड्स मनु में भी आपने काम किया है, रिटर्न जो फिल्म आई है, काफी दर्शकों का प्यार मिला उस मूवी को, तो आप इसे किस तरह की उपलब्धि मानती हैं? बॉलीवुड की फर्स्ट मेरे लाइफ की मूवी जिसमें मैंने गाया है, और वो डेब्यू गाना ही सोनू भैया के साथ है। सो आई एम वेरी लकी दैट ऐसे लेजेंड के साथ मुझे गाने का मौका मिला, एंड वो गाना भी बहुत खूबसूरत है। तो एंड द मूवी इज ऑल्सो रनिंग सक्सेसफुली एवरीवेयर, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, एंड गाने का नाम है ओ साथी रे, तो आप सब जरूर सुनिए। म्यूजिक आपके लिए क्या है? म्यूजिक इज एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे लिए, क्योंकि हमारे फैमिली से ही म्यूजिक के अलावा हम लोगों ने कभी ना कुछ सोचा है ना कुछ किया है, तो म्यूजिक इज एवरीथिंग, म्यूजिक के बिना हमारे लिए कुछ नहीं। संगीत और एक्टिंग के अलावा भी और चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हैं आप? हाँ, डांसिंग ऑल्सो, क्योंकि हमने वर्कशॉप लिए थे इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमने एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम किया था, तो हमने वहाँ पे उनको राजस्थानी हमारा फोक डांस सिखाया था, फिर गैदरिंग किया था ट्रेडिशनल वे में, उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। आप दोनों से एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितना है, मतलब कौन बड़ा है आप दोनों में? दीदी बड़ी है, 2 साल का डिफरेंस है। आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है या नॉर्मल लाइफ में जो बहनों के झगड़े होते हैं वैसे आपके भी होते हैं? अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है, यूजुअल से भी ज्यादा हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, झगड़े तो होते ही है, उसी से तो प्यार बढ़ता है, तो झगड़ों के बिना तो नहीं चलता। सुष्मिता से मेरा सवाल है कि उनके लिए म्यूजिक क्या है, म्यूजिक में उनकी उपलब्धियों के बारे में। फर्स्ट तो म्यूजिक मेरे रग रग में है, तो मैं म्यूजिक के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी मैं क्लीन एंड क्लियर जो भी मैं जीती हूँ उसमें भी मेरा म्यूजिक ने बहुत साथ दिया है, और म्यूजिक मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है, मेरी लाइफ है, मेरा पैशन है। जवाब तेरे जल में हजार, मेरा भी पता है मेरा मानू का बिहार, तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार, तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे।
के तू ही है वही, परियों की रानी हूँ मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले मर जावा, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा। अब तक का सफर इंडस्ट्री में म्यूजिक के क्षेत्र में कैसा रहा? कुछ यादगार लम्हे ऐसे रहे जो आप वेब दुनिया के दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? जी, एक्चुअली आई बीन वेरी लकी, मैंने स्टेज शेयर किया है सबसे पहले तो सोनू निगम के साथ, राहुल वैद्य के साथ मैंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दिए हैं, फिर पार्थिव गोयल, शंकर महादेवन एंड काफ़ी रिकॉर्डिंग्स भी किए हैं मराठी मूवी के लिए। अजय दुलजादा मेरे पापा के पास भी, वो पहले से उनका एक बहुत अच्छा एसोसिएशन है, तो उनके लिए भी मैंने रिकॉर्ड किया है। यही बात मैं सुष्मिता के शब्दों में भी जानना चाहूँगी। जी, एक सिंगिंग का अनोखा शो आया था एंड टीवी पे जो अभी भी चल रहा है, किलर कराओके करके, वो एक सिंगिंग रियलिटी शो है जिसमें मैंने पार्ट लिया था। बहुत ही अनोखा शो था, उसमें वो आपको चैलेंज करते हैं और आपको कंटिन्यू सिंगिंग करना होता है, वो आपको पानी में फेंक देते हैं और बहुत अतरंगी चीज़ें करवाते हैं, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था और इट वॉज अ चैलेंज फॉर अ सिंगर टू सिंग लाइक दिस, सो आई एम फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो। यही संदेश देना चाहेंगे कि आप गाते रहिए, जितना गाएंगे उतना आपका जीवन बढ़ेगा और गाने से जितनी खुशी आपको प्राप्त होगी वो किसी और चीज में नहीं होगी। कीप सिंगिंग। सुष्मिता के लिए एक आखिरी क्वेश्चन है, चूंकि वो हमारे वेब दुनिया के दर्शकों से आज मुखातिब हो रही है तो कृपया उन्हें बता दीजिए कि आपकी क्लियर स्किन का आखिर राज क्या है। वेल, क्लियर स्किन का तो राज एक ही है, बस जो भी करना है मन से कीजिए और म्यूजिक को एंजॉय कीजिए, लाइफ को फुल्ली जिए और हंसते गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। म्यूजिक आपके दिल के साथ आपकी शक्ल या चेहरे को भी खूबसूरत बनाता है। यस, डेफिनेटली। शुक्रिया वेब दुनिया के दर्शकों से बात करने के लिए। थैंक यू।